ये देखिए, वाह थोड़ा सा उसमें वो स्मेल आ रही है ना, ज़्यादा नहीं पकाना है, दूध भी सूख गया और इसको मैं ठीक से इसको मैच करूँगी। फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। अभी शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं दिन में भी एक तो ब्लॉग बनाई थी सुबह में, तो अभी शाम से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमने जो है वाइल्ड जो बेरीज का साग तोड़ के लेके आए थे उसी का रेसिपी दिखाने के लिए जो है मैं फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दीदी जो है यहाँ पे वॉश कर रही है और करेले के पत्ते भी लेके आ चुकी है, और मेरा जो काम है थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ। वहाँ पर जो है आंगन पूरा गंदा हो चुका है, इस साइड का जो है सफ़ा कर दिया, ये देखो पूरा क्लीन लग रहा है ना। तो अभी किचन वाला साइड जो है मैं सफ़ा करूँगी एंड उसके बाद जो है मैं नहाऊँगी, फिर उसके बाद जो है कुकिंग्स वगैरह जो है मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। फिर उसके बाद नहाना पड़ेगा, बहुत ही ठंडा लग रहा है पता नहीं। और गुड न्यूज़ हो गया, हम लोग का जो है मंजिता भी पास हो चुकी है एंड हम लोग का मोटर भी ठीक हो चुका है, खुशखबरी ही खुशखबरी। मामी अभी आंगन सफा कर रहे, देखो इतना गंदा है ना। मशरूम ज्यादा हुए। हाँ मशरूम है, कचरा वाला मशरूम निकल आते हैं। हाँ हम लोग उसको नहीं खाते ना, गंदा है। देखो वहाँ से निकला हुआ है, देखो हम आप लोग को दिखाएगा। देखो ये वाला मशरूम ना हम लोग नहीं खाते, ये अच्छा नहीं है खाने से, खा नहीं सकते उसको। हाँ नहीं तो पैर दर्द देगा, क्या क्या होगा ना, बोल के नहीं खा रहे। अब इसको कंप्लीट करके नहाना पड़ेगा। हाँ और मेरा खांसी सर्दी होगा, बोल क्या गला में चलता था चुन्नी लगा के रखा है। हाँ आगे का तो सफा कर दिया, अभी उस तरफ से यहाँ से लाए ना। आज तो बस ये किचन का सफा करेगा, वो वाला ज्यादा रात हो जाएगा, नहा नहीं पाऊंगी। और देखो गाबुची और लुकिए प्लेटो ने कब तक हो गया। हाँ देखो इतना बड़ा इतना गंदा निकल आए, तो बारिश देने से वो क्या बोलते हैं गंदा वाला मिट्टी ज्यादा निकल आता है। हाँ और बिसा का दिन हो गया ना, अभी देखो का बच्चे अभी कहाँ जा रहे, क्या खाने जा रहे, क्या ढूंढ रहे अब बच्चे। अभी पूरा भारी पड़ गया होगा, इतना ज्यादा मिट्टी है। देखो कचरा लेके आ रहा है, पहला गद्दा में डालेगा ना। हाँ। अच्छा कुत्ता लोग ज्यादा खोदते ना गद्दा, और वहाँ पे भी आप लोग का साइड में कट का खोद दिया। हमारे मैपे में घुसी गया रे, और मम्मी अभी यहाँ पे पपीता छील रहे, वहाँ पे लाया था ना अंजिका दीदी, अंजिका दीदी और आप गया था साथ लाए। बनाऊंगी। हाँ सब्जी बना के खाएगा, कुछ भी सब्जी नहीं है ना इसलिए। और हम बोल रहे थे कि मम्मी और अंजिका दीदी कहाँ गए, घर चला गया बोल रहा था अंजिका दीदी। हम सोच रहे थे पता नहीं घर चला गया होगा अंजिका दीदी, उसको पहुँचाने गया होगा होगा सेठ से बोले हम। और आए तो पपीता साग लेके आए, मामी और हम और अंजिका दीदी गया था वाइल्ड बेरीज लाने का पत्ता ना मम्मी। हाँ उसको मैं पकाऊंगी। हाँ और यहाँ पे करेले का पत्ता मम्मी लोग लाया था वो भी। हाँ, सब्जी कुछ भी नहीं है, क्या करे, खाना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। हाँ नानी का हाई प्रेशर के लिए वो करेला का क्या बोलते था पत्ता खाता था ना, उसका दबी नहीं खाता है। ड्राई फ्रूट्स को भी धो दिया, देखो गंदा निकल रहा है और यहाँ पे रख रहे ना। अभी मैं इसको चूल्हे पे दूंगी। हाँ सबसे पहले मैं पकाऊंगी पपीता। पपीता वाह देखो यहाँ पे जलेगा, देखो पपीता स्वादिष्ट होगा। मिर्ची डाल रहे हैं यहाँ पे, नमक भी डाल दिया ना। हाँ नमक डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, मिर्ची बहुत कम डालूंगी। हाँ डालूंगी थोड़ा सा, हो गया बस इतना। इसमें हल्दी नहीं डालना है और इसको ठीक से उबलने देना है, उसके बाद डालूंगी मैं पपीता। हाँ देखो हम अभी यहाँ पे एक तो खा रहे हैं, टेस्टी है ना। हाँ बहुत टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट है। अभी
अभी हम पपीता खा रहे, देखो और यहाँ पे एंडी का दीदी वाटरमेलन देखो टुकड़ा कर दिया, इतना सुंदर है पर रेड है, काट करके इसको फ्रिज में रख जाएगा ना एंडी का दीदी। ये पपीता पक के भी हो गया सब्जी मेरा, जब मैं डाली थी तब दिखाई नहीं थी, अभी ये डाल रही हूँ मैं लोकल धनिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग भाषा में बिलेती बागोर कहते हैं, मैं भूल जाती हूँ। और इसको डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, दूध भी सूख गया, और इसको मैं ठीक से इसको स्मैश करूँगी कि मिक्स हो जाए, बहुत ही टेस्टी होता है। ये हो गया पक्के और मैं इसको देखो कोट रही हूँ, इसको कोटने से इसका टेस्ट अलग ही स्वाद होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। पपीता हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही खाते हैं, इसको बॉयल ही कहेगा, मतलब सिंपल वाला बॉयल नहीं जो नमक के साथ खाते हैं वो वाला कम खाते हैं, ऐसे ड्राई फिश डाल के ज़्यादातर खाते हैं हम लोग। और इसमें आप लोग लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने इसमें डाला है वो नागा धनिया जो कहते हैं वही डाला है, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी जरूर से ट्राई करना ये वाला रेसिपी। वैसे पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बोले साइंटिस्ट लोगों ने कहा था कि सबसे पहला नंबर में फ्रूट्स में से आता है ये पपीता। अभी मैं नहा के भी आ चुकी हूँ दोस्तों, सारे आंगन वगैरह जो है मैंने सफा कर दिया था, तो कल थोड़ा इजी हो जाएगा धूप देने से, फिर से जो है बाहर साइड का जो है सफा करना पड़ेगा। तो नहाने के बाद जो है मैंने पूजा पाठ वगैरह भी कर लिया है, और दीदी जो है यहाँ पे लास्ट में ये क्या बोलता है साग को पकाएगी, कौन सा वाला साग, वो वाला पकाएगी मेन रेसिपी। ये देखिए दोस्तों जो मलबेरीज का जो साग है ये देखो दीदी ने वॉश करके भी रख दिया है, मैंने जिंदगी में एक बार भी नहीं खाई, आज मेरा पहला होगा फर्स्ट टाइम। तो यहाँ कढ़ाई पे जो है ड्राई फिश नमक और थोड़ा सा मिर्च दे दिया है, पानी को ठीक से उबलना पड़ेगा, उबलने के बाद जो है साग को दे देंगे। वैसे तो साग जो है देने के साथ साथ सिकुड़ जाता है ना, और ये करेले के पत्ते जो है लास्ट में पकाएंगे, ये तीता वाला जो करवा टाइप का जो सब्जी है लास्ट में पकाने से ठीक होता है, एकदम गर्मा गर्म जब खाना पूरा वो आप लोग निकालोगे उस टाइम पे जो है इसको गर्मा गर्म खाना आप लोग भी ट्राई करोगे तो। और बस पानी को ठीक से उबलना पड़ेगा एंड ये वाला साग को देना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल करके नमक देके भी बॉईल कर सकते हो, हम लोग का तो रेगुलर है ड्राई फिश इज आवर मसाला। चालू लड़की भी मेरे साथ में जो है प्रेयर्स वगैरह भी कर लिया है, तुमको आता है ना हम लोग का जो प्रेयर्स वगैरह है, कहीं भूल तो नहीं गया नहीं। और जो स्कूल में प्रेयर्स वगैरह करना पड़ता है वो भी याद है। सुनाओ तो In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Holy Mary, Mother God. दिमाग बहुत तेज है इसका, ये हम लोग का दिल बदला गुली है no. दिल बदला गुली है no. तो पानी उबल चुका है ना, हाँ, बस मैं ये ड्राई फिश को तुम पीस पीस में बांट रही हूँ ताकि इसका स्वाद और अच्छे से आए, इसको एकदम ड्राई करके बनाएंगे, झूल नहीं रखेंगे। अच्छा मंजिता कभी खाया है ये वाला साग, फर्स्ट टाइम ना हम दोनों का। पानी जो है ठीक से उबल चुका है, ड्राई फिश को भी छोटे छोटे कर दिया है, अभी साग को देने का बारी। पानी एकदम कम देना पड़ता है, हम लोग जो है थोड़ा सा ड्राई करके खाएंगे, ढक्कन को खोलो, वाह ये देखिए वाह, थोड़ा सा उसमें वो स्मेल आ रही है ना, सबका अपना अपना स्मेल होता है, उसका भी उसका अपना स्मेल रहेगा। अब ये देखो इसको इसे पकाएंगे अभी खुला करके ताकि इसका पानी सूख जाए, एकदम छोटा हो गया। हाँ ये देखिए पूरा ड्राई हो चुका है, झूल एकदम सूख गया, बस हो गया, आपको जो है ज्यादा नहीं पकाना है, हो गया, हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके बाक करेंगे ना। हाँ अभी इसको पकाना है, हाँ फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी,
चलो अभी डिनर निकालेंगे। हाँ जी निकलिए। तो डिनर भी निकाल दिया है और सारे सब्जी वगैरह रेडी हो चुका है मंजिता के लिए। यहाँ पे दीदी जो है गोभी के पत्ते दे रही है सबसे पहले। ये देखो ये बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए खाइए ठीक है। ये ना ग्रीन वेजिटेबल उतना खाती नहीं, हॉस्टल जाके आदत आदत बदल चुका है इसका। पपाया भी दे दो। पपाया लेकिन खाना जरूरी है ठीक है, दे दो। पपाया अच्छा होता है पकाने से, पकाने से सब्जी थोड़ा ज्यादा खाओ। और वहाँ से वाइल्ड बेरी साग भी खाओ ठीक है। साग ठीक से खाना है लेकिन करेले का साग नहीं खाना है ठीक है, वो नहीं देंगे। अभी कोई लोग बोलेगा रात को जो है साग वगैरह खाने से गैस होता है, हम लोग का बचपन से आदत है, पुराना जमाने से चलते आ रहे हैं, कभी कभार तो वैसे हो जाता है गैस। बस ये लोगों का कहावत होता है ना, साग खाने से गैस होता है। तो यहाँ पे दीदी ने दे दिया है वाइल्ड बेरीज का साग, एकदम टेस्टी लगा। हाँ। एकदम पकाने के बाद जो है सिकुड़ गया था, छोटा हो गया साग जो कम हो गया। हाँ खाओ मजे से खाओ। पहले नहीं खा रही थी देखो, गोभी का पत्ता नहीं खा रही थी, इसको ना गोभी पसंद नहीं है इसलिए गोभी का पत्ता भी नहीं खा रहे, वो समझी कि वो टेस्टलेस होगा। अभी देखो टेस्टी टेस्टी बोल रही है, टेस्टी है। हम सभी जो है बेच चुके हैं, अभी खाते हैं डिनर। तो मैं सबसे पहले ये वाली साग ट्राई करूंगी, मलबेरीज का साग। मंजिता बोल रही है कि टेस्टी है। अभी इसको चर्स। सच में यार झूठ नहीं बोली है, बहुत टेस्टी है। स्माइल भी कैसे देते हैं। और यहाँ पे गोभी का पत्ता, छोटे छोटे जो बेबी होता है ना गोभी का बेबी, उसका पत्ता। अब इसको भी खा लेते हैं, ये तो पहले खा चुकी हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे करेले के साग। तो अब आराम से डिनर करते हैं, वीडियो सीडियो नहीं क्योंकि सभी को जो है भूख लग रहा है, बस सुबह में ब्रेकफास्ट किया था, दोपहर को लंच नहीं किया है। हमने जो है डिनर वगैरह भी कंप्लीट कर लिया है और तरबूज भी खा लिया, बहुत ही मीठा। और मंजिता ने मुझे जो है भिंडी लगा दिया एक, तो पूरा उसका साथ साथ मेरा उसका पार्टनर बना दिया है, इसको भी बना दिया है, बिंदिया रानी बना दिया। ये तो बिंदी बिंदी के बिना अधूरा है। चलो अभी अपने अपने रूम पे जाएंगे सोने के लिए। और आज का ब्लॉग जो है आज कंप्लीट हो नहीं पाया, मैं कल ही कंटिन्यू करूंगी फिर से। आज के लिए यही तक, अभी हम फिर से सोने के लिए जाएगा, बहुत ही जोर से नींद आ रही है। दोपहर को मैंने काम किया ना उसके वजह से बॉडी में जो है पसीना निकल आ चुका है, अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से नींद आएगा। गुड नाइट सभी का। चलो मंजिता गुड नाइट बोलो। टेक केयर। मैं फास हो गई हूँ बोलो। 87% लेके आ चुकी है मार्क्स, बहुत ही बढ़िया लेके आई है इस बार। अभी क्लास टू पे। तो गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों, अभी सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, लम्बू भी चला गया है जिम पे और हम लोग का भांजी अंजिका भी चली गई है लम्बू के साथ। तो अभी बस घर पे जो है मैं और दीदी मंजिता है, दीदी और मंजिता तो सो रहे हैं क्योंकि इतना सुबह सुबह उठ चुके हैं ना। तो अभी मैं सबसे पहले जा रही हूँ भैया का घर, भैया ने जो है सुबह सुबह फ्राइडे मार्केट पे गया था तो वहाँ से जो है लोकल सब्जी वगैरह लेके आ चुका है, इसलिए वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे देखो गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, इतना ठंडा ठंडा हवा, देखो बहुत ही प्यारा है नज़ारा। तो सब्जी वगैरह लेके आने के बाद जो है मैं फ्रेश अप हो जाऊँगी, उसके बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। बस ज़िंदगी ऐसे ही है, अच्छा लगता है इतना ठंडा ठंडा मौसम। रास्ता देखो चारों तरफ पूरा हरियाली ही हरियाली। अगर सूरज निकलता तो उस साइड से निकलना था, सूरज का नाम और निशान कुछ भी नहीं है बारिश के कारण। पता नहीं और कितना दिन बारिश देगा, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है बारिश देने से। अभी सामान वगैरह भी ले लिया है, अभी जाती हूँ सीधा घर। तो घर जाने के साथ साथ फ्रेश अप होना पड़ेगा
और छोटा छोटा बारिश के बूंदे गिर रहे हैं। पता नहीं भैया ने क्या क्या दे दिया है, घर जाके ही दिखाऊंगी आप लोगों को। घर पहुंच चुकी हूँ दोस्तों और यहाँ पे सारे सब्जी वगैरह को निकाल दिया है। ये देखो बारिश में मशरूम ही मशरूम निकल आते हैं। यहाँ पे मशरूम, बेतरक प्लांट, बैम्बू शूट, जंगली वाला आलू और बोरोना साग, खुशबूदार वाला पत्ता एंड यहाँ पे लौकी के साग और इसमें पोर्क दिया है और इसमें जो है एक तो जंगली वाला बेत और मैंने जो है अदरक भी लेके आ चुकी हूँ थोड़ा। ये देखिए क्योंकि सबका गला में जो है पेन वगैरह है, कल लम्बों को जो है और वंजिता को मैंने गर्म पानी बना दिया था लौंग देके और अदरक जो है पीस के बना दिया था, अभी मुझे भी पीना पड़ेगा। मेरा गले में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो सबसे पहले फ्रेश अप हो जाती हूँ फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। फ्रेश अप होके अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो है मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। दीदी जो है यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल पका रही है और यहाँ पर जो है मैं मशरूम पका रही हूँ और इसमें जो है पोर्क का ये लीवर और क्या क्या था मिक्स है वो सब। हाँ चावल भी रेडी हो चुका है, बस ये सब्जी पकने से हो जाएगा और लेमू भी आ चुका है। ब्रेकफास्ट निकाल दिया है दोस्तों। आज का ब्लॉग जो है एकदम खाना ही खाना बार बार दिखाना पड़ रहा है। कल रात से जो है स्टार्ट किया था कल शाम से, तो डिनर भी दिखाया और अभी फिर से नेक्स्ट दिन को ब्रेकफास्ट दिखाने मिल रहा है। तो अभी हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है मशरूम और यहाँ पे ले लिया है मिक्स सब्जी। मुझे ना ये जंगली वाला बनाना फ्लावर बहुत ही बढ़िया लगता है और इसमें बैम्बू शूट देखो बहुत ही टेस्टी होगा। तो अभी खाते हैं। मंजिता उसको सुबह सुबह भूख लग रही थी, पूरा दीदी को बोल रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही है मुझे खाना दे दो बोल रही थी। आज तो तेरा फेवरेट नहीं है रोटी, रोटी भी नहीं है पूरी भी नहीं है और एक पैकेट जो है आटा खरीद के लाना पड़ेगा। कल बहुत ही बढ़िया लगा था सच में, मैंने बनाई है बहुत, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। तो अभी खाते हैं चावल। हम लोग खाना खा के भी वाटर मेलन खाए। अभी मम्मी काम कर रहे, रुको आप लोगों को दिखाएगा। वाटर मेलन तो इतना टेस्टी था पर रेड रेड था। मम्मी बाद में खाएगा होगा, मामू भी हम लोग खा लिया, मामी भी खाए। देखो मम्मी उधर में काम कर रहे, उधर पूरा अंदर घुस गया। देखो इधर काम कर रहे, इतना जंगल हो गया ना मम्मी। हाँ। बोल के नहीं तो लीच हो जाएगा, लीच लग जाएगा ना बोल के। हाँ। सांप का भी डर है। हाँ सांप भी आ सकते हैं, बिहू भी आ रहा है। हाँ आसपास बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ बीजू में अच्छा से रखते ना घर को सजा के, उसके बाद डोर का ऊपर में फ्लावर लगा के रखता है। और जो बीजू फूल है ना रेड रेड करके माय फूल बोलते हैं वो वाला ना। हाँ वो निकल आए। हाँ जो भी और लगा सकेगा। चलो अभी जल्दी इस साइड का इतना जंगल है वो थक ही जाएगा। अब तो गई खाने का साथ साथ रेस्ट नहीं किया ना मैंने। हाँ थाली बर्तन वॉश कर लिया, उसके बाद सोचा कि इसको भी सफा कर लूं क्योंकि जितना रेस्ट करेंगे उतना फिर मतलब बोरिंग लग जाता है। हाँ रेस्ट करते रहते तो कुछ भी नहीं करने मिलेगा ना बोल के। रेस्ट करते करते मतलब कि बोर हो जाते हैं कि मन करता है कि रेस्ट करते रहो। हाँ बस सोते रहो ना। हाँ। उसका काम मत करो, कुछ भी मत करो ना, ऐसा फील आता है। अब भी कर रहे और मम्मी यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी काट लिया और ये वाला तो पता नहीं कल को काटेगा होगा। देखो पूरा ग्रास ही ग्रास है, उसको बाट में फेंकेगा। और यहाँ पे भी एक ग्रास। चलो अभी घर का अंदर चलते हैं, मम्मी वहाँ पे रेस्ट कर रहे बैठ के, थक गया होगा। खाना वगैरह खाने के बाद रेस्ट किया दोस्तों। मुझे जो है थोड़ा अब बदन भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि माथा चक्कर दे रही है, मौसम ऐसा करने से अजीब सा लगता है, बदन भी एकदम कमजोर लगता है। तो अभी जो है वीडियो को यहीं तक समाप्त करती हूँ क्योंकि मुझे आगे में ब्लॉग बनाने के लिए ताकत नहीं दे रही है। तो अभी ये वाली ब्लॉग को जो है मैं अभी एडिट करके अपलोडिंग पे रखूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो है मेरा ये ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। तो फिर से मिलेंगे आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।